तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं होटल, और जो ट्रैक करने का प्लान था वो कर दिया कैंसिल। ओ भाई साहब, भाई साहब, एक ट्रैवलर कल पलटी थी, एक आज टायर पंचर हो। अब मेरे को लग रहा है ये ट्यूब ना फट जाए, ट्यूब या टायर। अजी यूट्यूब पे आ जाओगे आप? माइक वाइक लगावा ना इसके अंदर, आवाज सब आती है। अभी हम लोग माना विलेज गए नहीं, अब तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जितना दूर जा सकेंगे उतना दूर निकल लेंगे। आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, होट वोट तो मेरे बहुत ज़्यादा फट गए हैं यहाँ पे आने के बाद। अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, धूप वूप बिल्कुल गायब हो गई और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है 5 मिनट के अंदर ही, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। इधर नीचे की तरफ है बद्रीनाथ टेम्पल, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बज रहे हैं 3। हम लोगों को जाना ये पहाड़ है इसके उधर, मतलब बिल्कुल नीचे। अब रात को हम लोग इस रूट से आए थे और ये पूरा रूट मतलब फूटा हुआ है। आई थिंक अगले साल तक तो बिल्कुल ओके हो जाएगा। गाड़ी लाओ ना, क्लच थोड़ा संभाल के यूज़ लेना, एंड 100 cc थोड़ा रिस्क है लाने में। और यहाँ पे पूरा ऑफ रोड पैच है यार। मेरे को मतलब माना विलेज का जो ट्रैक था ना, वो करने की बड़ी इच्छा थी, जो मतलब बॉर्डर तक था। बट यार क्या ही करें, अब जयपुर पहुँचना हमें आज, हमें शायद 7 या 8 दिन हो गए। पूरा ऑफ रोड पैच है पूरा। रेस लेने की जरूरत ही नहीं है कहीं से। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये थे रात को रास्ते कुछ हमारे, जो कि आपको शायद प्रॉपरली दिखे नहीं होंगे। इधर खाई है और ये रास्ता आ गया ऑफ रोड ढेर सारा। स्लिप मारती है यहाँ पे गाड़ी भाई उतरते वक्त। बाइक में ना बस कोई दिक्कत नहीं आती, क्लच प्लेट वगैरह हमें ये थोड़ा क्लच प्लेट इनमें दिक्कत आ सकती है, और तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये खूबसूरत सा वाटरफॉल जो कि नीचे जा रहा है भाई, इस वाली रोड की भी ना मतलब स्पीति वैली से कमज़ोर नहीं है ये वाली रोड भी। देखो जिधर खाई है सेम वही पहाड़ कटा हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम स्पीति वाली फीलिंग देती है। अगर मैं ये फोटो डाल दूँ ना, कोई बता नहीं सकता, मतलब जो गया हुआ नहीं है वहाँ पर वीडियोज में देखा है कि भाई ये स्पीति की है या कहीं और की है। मन भी ना ऐसा अजीब सा हो गया, अभी यहाँ से जा रहे हैं ना हम लोग, अजीब सा ही लग रहा है मेरे को। और जो हमारे साथ थे वो लोग भी चले गए, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। ऐसा लगता है मेरे को हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना, वहाँ से आते वक्त ऐसा थोड़ा मतलब नर्वस सा हो जाता हूँ मैं। और अगर अभी तक आपने हमारे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, भाई प्लेलिस्ट चेक करो। मैं कह रहा हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ वाली प्लेलिस्ट में मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और आई एम हैप्पी बिकॉज एट द एज ऑफ 18 एंड दिस 18 साल की उम्र में मैंने ये राइड मार दी। बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है, बस सेफली घर पहुँचना है। ये पूरा ऑफ रोड पैच है, अब यहाँ से लेके कम से कम 15 किलोमीटर का तो होगा आई थिंक। वो स्लिप मारती है, एक तो ब्रेक लगाते ना उतरते वक्त मेरी बाइक। ओ गई सामने का खाई। पूरा ऑफ रोड है मेन तो ना, मतलब ऑफ रोड में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मज़ा भी काफ़ी आता है। बट मेन दिक्कत होती है लगेज की, मतलब ऑफ रोड ना इतना पसंद है। मतलब मैं तो यही चाहता था कि रास्ते में ऑफ रोड मिले, बट अभी ना मतलब ये वाटरफॉल एक खूबसूरत सा मतलब बैक की स्थिति है कि मतलब ज़्यादा ऑफ रोड मिल जाता है बैग पूरा लटक जाता है। और कल पूरे रास्ते बैग की वजह से परेशान हुए, और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। वाटरफॉल ये देखो, इधर ब्रिज बन जाएगा आने वाले टाइम में, ये पूरा ऑफ रोड मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मैं पहले आ गया, नहीं मज़ा नहीं ले पाता। रुको तो रुकते ही नहीं है, ये लगा है बहुत लंबा तो, और इनका बैग भी खुल गया था तो हम सोच रहे बैग बांध लेते हैं, और काफ़ी नीचे आ चुके। मैंने पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, आगे कोई गाड़ी पलट गई इस वजह से जाम है। बाइक तो आ रही है, गाड़ी पलट गई कोई, ओहो बस है कोई, अरे यार ओहो ट्रैवलर एड्स। ओह भाई साहब, वो तो अच्छा हुआ इसके अंदर फूड वगैरह ही थे, फूड ही था इसके अंदर, फूड ही था, बच गए भाई साहब।
एक ट्रैवलर कल पलटी थी, एक आज। ड्राइवर तो सेफ है, तो ये लोग आए हैं भागे भागे, तो मान लो हल्का सा बच गया। और इसके अंदर फूड वगैरह थी और ये सामान ही थे, मतलब कोई था नहीं, ड्राइवर और एक उसके साथ होगा आई थिंक कोई, तो दोनों सेफ है। और गाड़ी में तो खैर नुकसान हो ही गया, इंश्योरेंस होगा तो क्लेम हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है। और उसके अंदर जो सामान था उसका भी नुकसान हो गया, वो इतना सा बच गया, मान लो इतनी सी भी नीचे चली जाती ना गाड़ी, ख़त्म था भाई, कहाँ बचता, नीचे खाई थी पूरी। बस आ रही है, इसके लिए हमें साइड देना पड़ा है। और ये वाटरफॉल है खूबसूरत सा, तो हमारी गाड़ी निकलेगी भाई, पहाड़ों का सीन ना गजब होता है, गाड़ी चलाने भी मज़ा आता है। नीचे खाइए बैठ, थोड़ी रिस्क रहती है, इनकी भी स्कॉर्पियो फंस गई आगे का टायर, स्कॉर्पियो भाई हल्की सी बची, हल्की सी। वो बोल रहा पहली बार गाड़ी चला रहा है क्या, बैग जाएगी। सो ये निकल गई, काफी लंबा जाम लगा हुआ है भाई साहब, मेरे को लग रहा है हम कुछ ऐसा तो ये जाम क्रॉस करने में ही लग जाएंगे। अच्छा ये तो वही है ना जहाँ पे अर्टिगा फंसी थी रात को, अगर व्लॉग नहीं देखा जाके देखो, लोगों की तो निकल जाएगी बाइक, यहाँ से रात को निकाली थी जब भी R15 होती तो टच हो जाती नीचे से, प्लास्टिक का उसका टूट जाता, बस ऊपर नहीं, बड़ा ही जोर लगता है गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में। ट्रैवलर को जान दो, झूलती भी आ रही है। अल्टो गई गई गई, ए निकल गई अल्टो, निकल गई भाई, ये है भाई रियल हैवी ड्राइवर, तो थम्स अप फॉर ये लो 800 ही ले रहा है। गई 800, फंस गई 800 भाई, पूरा वो रखा है। भाई पूरा रास्ता खुदा पड़ा है, गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ से। अब ये मेरे हिसाब से यहाँ पे आधी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं निकल पाएंगी, कल ये वाला रास्ता दिख रहा नहीं होगा, अभी दिख रहा होगा, ये भी पूरा मतलब ऐसे फूटा है। रुक जाओ, मेरी स्लिप हो रही है गाड़ी, उसी में ट्रह गया यहाँ से 17 किलोमीटर, और ये 17 किलोमीटर कवर करने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा हम लोगों ने किलोमीटर स्टार्ट 64 पे किया था, अभी हो रहा है 89.9, और अभी भी ऑफ रोड निकल रहा है मेरे हिसाब से अभी आगे तक है, तो ये कितने किलोमीटर का होगा मेरे हिसाब से, मतलब 25-1 किलोमीटर तो आ ही गए हम लोग अभी, तो मतलब कम से कम ये 10 किलोमीटर का ऐसा और है रास्ता कम से कम। एंड अब देख लो मतलब कितना ऊंचे थे हम लोग, मतलब कितनी ऊंचाई पर थे पहले, और अब हम बिल्कुल रिवर के पास में आ गए। पहले हमारा यहाँ पे रुकने का प्लान था, ये जो दिख रहा है आर्मी वाला कैंप, इसमें क्या है हमें कुछ जानकार मिल गए थे हमारे कल कोई, मतलब मेरे गाँव के पास में ही रहते हैं वो, तो उन्होंने कल हमें रोक लिया था, बोले कि कल आपको ज़रूर यहीं पे रुकना है, बट आज हमारे पास टाइम है, तो हम सोच रहे थे जितना खींच सके उतना खींच लेते हैं, मतलब यार रुकने की तो थी इच्छा स्टे, उन्होंने कहा खाना वाना सब यहीं है, मैंने कहा ठीक है जी। फिर हमने सोचा भी था ठीक है जी, आज हम लोग जब माना विलेज जाके आएंगे तो विलेज थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो यहीं पर आके रुक जाएंगे, फिर हमने कैंसिल कर दिया यहाँ का, अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पर रुके हैं जी। ओ भाई गीला हो गया पूरा पैर, शिट मैन, ओ ठंडी पानी जो उछल के ना भाई पैरों जूतों में, ओ पैर भी नहीं ठेके नीचे, तो भी इतना पानी था, गोबरों में तो दिखा भी नहीं होगा आई थिंक, ओ ठंड लग रही है भाई कसम से। टायर पंचर हो गया, तभी मैं देख रहा इतने स्लिप कैसे हो रही है, यहाँ तो कोई पंचर वाला भी नहीं दिख रहा। पर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा अब, और आगे 37 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमें पूरा अपना सामान उतारना पड़ रहा है, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा फिर। देखो भाई क्या हालत हो रखी है, अब मेरे को लग रहा है ये ट्यूब ना कट जाए, ट्यूब या टायर, मेरा क्या एक तो ट्यूबलेस नहीं है टायर, ये दिक्कत है। अब देखे 2 किलोमीटर जाते हैं,
और बहुत ज़्यादा झूल रही है गाड़ी, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। वो भाई ने 2 किलोमीटर बोला था और 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा आ गए उसने वहाँ कहीं बताया था। हम लोग भाई 2.5 किलोमीटर तो आ गए, मेरे को ये 5-7 किलोमीटर लग रहा है। भाई पंचर निकलेगी इधर ही। तो इसमें भाई साहब ट्यूब थी वो पूरी कट चुकी थी, तो इन्होंने ट्यूब डाली है एंड कम से कम मेरे को 1.5 घंटा हो गया। और ये भाई साहब 2 किलोमीटर नहीं थे, कम से कम 6-1 किलोमीटर थे। जो मेरी ट्यूब थी मैं उसका जो नट रहता ना ट्यूब में लगा हुआ वो खोल के लेके आया था, तो भी पूरी ट्यूब कट चुकी है। यहाँ पे एक बात हो रही है कि 7 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं और अभी बज रहे हैं 6:30, यानी कि नीचे पहुँचते 6:30 मतलब, और 17 किलोमीटर जाना है, 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। तो आई डोंट नो इसमें पेट्रोल भी नहीं है कि हम लोग पहुँच भी पाएंगे। तो अभी हम लोग आए और मैंने ये वाला बैग बांध दिया, एक पीछे लटका लिया। तो क्या हुआ ना, जहाँ हम पहले रुकने नहीं वाले थे अब हम लोग वहीं पर जा रहे हैं वापस, जो आर्मी का कैंप है। हमें यहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि आप नाइट में मत जाइए, आर्मी का कैंप था जहाँ पे हम रुकने वाले थे वो यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे ही है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। गोप्रो की बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है, तो ये चल रही नहीं है सर्दी में ना, मतलब बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है बैटरी मोबाइल की भी गोप्रो की भी। अब देखो क्या है ना, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रुकने का प्लान था नहीं। अब अगर हम वहाँ से निकल जाते, मेरा पंचर ना होता, तो भाई मैं तो देखो रात में मैं कहीं पर रुकता ही नहीं जब तक सोनप्रयाग नहीं पहुंच जाते, और इनके पास है मरकरी वाइजर, तो ये ज़्यादा परेशान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। तो रात को हम लोग यहीं पर रुके थे, BRO का कैंप, तो BRO का कैंप था इसमें मेरे जानकार थे। तो हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, तो इन्होंने मेरे को पहले भी कहा था यहाँ पर रुकना है, बट हमने कैंसिल कर दिया था यहाँ से कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जितना आगे पहुँच पाएंगे उतना। हम यहाँ से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे गए थे आई थिंक, तो वहाँ पर जाके हमारा भाई साहब ट्यूब कट गई, फिर वापस हम 5 किलोमीटर आए, फिर ट्यूब चेंज कराए, फिर वापस आगे गए तो ज़्यादा लेट हो गए, फिर पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं यहाँ पे 7 बजे, तो पेट्रोल पंप बंद हो गए, तो फिर हम पेट्रोल कहाँ से डलाते, फिर हमने देखा आज यहीं स्टे कर लेते, तो हम लोग यहीं पे स्टे किए थे। मतलब इतना बढ़िया लगा ना यहाँ पर स्टे करिए, कसम से कह रहा हूँ, मतलब अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पर रुक गए, रात में नहीं निकले। और हमें लोगों ने मना भी कर दिया था रात में मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि रोड ऐसी है ना पहाड़ों में, मतलब दिखती भी नहीं है, कई जगह घुमाओ सीधे चले जाओगे नीचे। तो मेरे को इन्होंने रात में स्लीपिंग बैग दे दी, तो बढ़िया तो नींद आई। इन्होंने स्टोव जला दिया, तो थोड़ी गर्म सी मिल रही थी स्टोव से, एंड इन्होंने रात को खाना वाना काफ़ी अच्छा बनाया वहाँ लिए, एंड बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर रुक के, कसम से कह रहा हूँ, सारी फैसिलिटी दी है इन्होंने। अभी GoPro वगैरह चार्ज लग रहा है, थोड़ा अंधेरा हो रखा है, स्लीपिंग बैग वगैरह, एंड बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बारी। इधर कहीं पे रिवर है नीचे की तरफ, तो उसकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल यहाँ से जस्ट नीचे। गुड मॉर्निंग जी। और यहाँ से व्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है पीछे का व्यू देखकर। और रात में ठंड हमें इतनी लगी नहीं यहाँ पे। हाँ जी, यूट्यूब पे आ जाओगे आप? तो हम लोग इनके साथ ही रुके थे रात में, माइक वाइक लगा हुआ ना इसके अंदर, आवाज सब आती है। ठीक है, फोटो लेते हैं। लो मेरे को फोटो भेज देना, मेरे को भी मेजर एक फोटो ले रहा है। फोटो भेज दे, आ जाओ सर आप लोग जा सकते और इधर आ जाओ। हां लो दम, मैं इधर आ जाता, आप इधर आओ ना, वो तो आ रहा है लंबा। ठीक है फिर, है ना सर? ठीक है, ओके ओके। भी आगी है, भीड़ अच्छी लग रही है। चार दिन पहले ऐसी थी इसमें ना, अरे यार सामने देखते हैं कि दिया जाए गुजर सर की। अच्छा, ये भी है जंगल जाने की, नहीं देख रहे थे शेर में। अरे यार।